हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, टेक्नो पुआ 5 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों जो कि बजट प्राइस में काफ़ी बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है, जो कि 22 अगस्त से सेल के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। और इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी, प्राइस क्या है, इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन कैसा है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्राइस की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन जो कि डार्क इल्यूजन और सिल्वर फैंटेसी कलर में आपको देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन जो कि दो मेमोरी वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। पहला वेरिएंट जो कि 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, इसकी प्राइस 15,000 रुपया है। और इस स्मार्टफोन की टॉप वेरिएंट जो कि 8 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, और इसकी प्राइस 16,000 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। अनबॉक्सिंग की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन जो कि आपको सफ़ेद रंग के बॉक्स में देखने को मिलता है, और इस पर फोन की लाइटिंग को प्रमोट करते हुए उसी आकार में नीले रंग का लाइन आपको इस स्मार्टफोन के बॉक्स में देखने को मिलेगा। और बॉक्स के अंदर में दोस्तों आपको TPU कवर देखने को मिल जाता है। 68 वाट का यहाँ पर चार्जिंग एडेप्टर मिल जाएगा, टाइप सी का केबल दिया गया है, यूजर मैनुअल गाइड मिलेगा, यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड भी मिल जाएगी और सिम इजेक्टर टूल इसमें मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको इतना ही कुछ देखने को मिलता है। डिज़ाइन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन जो कि यूनिक और आकर्षक डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों ये स्मार्टफोन जो कि आपको फ्लैट डिजाइन में देखने को मिलता है, जिसके रियर पैनल में आपको LED लाइट स्ट्रिप देखने को मिलेगी, और इनमें से दोस्तों तीन एक ट्रायंगल में देखने को मिलेंगे और एक सीधी लाइन में आपको देखने को मिलेगा। और ये लाइट जो कि नोटिफिकेशन कॉल और म्यूजिक प्ले के समय जलती है। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर पैनल में आपको थोड़ी सी खराबी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर पैनल जो कि ग्लास पैनल में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों दाग लगने की चांस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको मोबाइल फ़ोन का कवर लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन स्टाइलिश लुक के साथ हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल ये स्मार्टफोन है, और फिसलने का भी डर इस स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट साइड में देखा जाए दोस्तों, तो इसमें स्क्रीन जो कि पतले बेजल्स के बीच में आपको देखने को मिलता है, और पंच होल कटआउट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। साइड में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, जिसमें आपको बाएं साइड में सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, दाएं साइड में पावर बटन जिसमें कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम की रोकर्स आपको देखने को मिलेगा। बटन साइड की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिलेगा, टाइप सी का पोर्ट, ऑडियो जैक और माइक्रोफोन देखने को मिलता है। टॉप साइड में आपको सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, जिसमें ग्रिप काफ़ी अच्छा है। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन की वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 214 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, और मोटाई भी दोस्तों इस स्मार्टफोन का थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों पकड़ने में ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 6.78 इंच का आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों पिक्चर कलर जो कि काफ़ी शार्प और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है, यहाँ पे तेज़ रोशनी में टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है, काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले है, यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 6080 का पावरफुल चिप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, हैवी गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप कई एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कॉलिंग के दौरान तो आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी लैग प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि हाई OS 13.1 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गेम स्पेस फीचर्स भी आपको देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के दौरान आपको अलग अलग परफॉर्मेंस मोड में स्विच करने में मदद देती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हो और गेमिंग के दौरान दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन को चार्ज करनी है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बायपास चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है, फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रियर पैनल में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे AI सेंसर भी देखने को मिलता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे कमी भी आपको देखने को लगी। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और माइक्रो सेंसर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 30 FPS में 2K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों 60 FPS में आप फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये स्मार्टफोन अच्छा ऑप्शन है। और बैटरी की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिसमें आपको 68 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 50 मिनट में बैटरी को फुल चार्ज करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेक्नो की बैटरी लाइफ 3.0 का मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप बैटरी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ी यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको मिल जाती है और चार्जिंग सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है। आप बात करते हैं दोस्तों कि इस स्मार्टफोन को हमें खरीदना चाहिए या फिर किसी अदर ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन को हमें क्यों खरीदना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग बैटरी बैकअप मिल जाती है, यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। और नहीं खरीदने का कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको माइक्रो या फिर डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे तेज रोशनी में बैक लाइट थोड़ा सा धुंधला हमें देखने को मिलता है। तो गाइस आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।